बजाज ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है जिसे जमनालाल बजाज ने 96 ईयर पहले 1926 में शुरू किया। नेशनल और इंटरनेशनल इनका बिजनेस काफी फैला हुआ है। बजाज की बहुत सब्सिडियरी कंपनी है। आपने कुछ का नाम जरूर सुना होगा, जैसे बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस या फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स। 1915 से 1972 तक जमनालाल बजाज के बेटे कमल नयन बजाज ने बजाज ग्रुप को संभाला, जिसमें उन्होंने स्कूटर, थ्री व्हीलर, सीमेंट और इलेक्ट्रिक बिजनेस इसको बड़ा बनाया। साथ में इनके छोटे भाई रामकृष्ण बजाज भी थे। फिर कमल नयन बजाज के बेटे राहुल बजाज ने 1972 से 2005 इस कंपनी को चलाया और कंपनी को कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी बना दिया। कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज वो कंपनीज होती है जिसका बिजनेस फैला हुआ हो, लाइक अल्फाबेट, अमेजन और मेटा। बजाज ग्रुप की 40 कंपनीज है जिसमें से बजाज ऑटो सबसे बड़ी है। एक मिनट, इस चैनल पे 30 बिजनेस केस स्टडी सीरीज चल रही है, तो आपको कौन सी कंपनी के बारे में जानना है कमेंट में बता देना। बजाज ट्यूबलाइट बनाती है, फैन बनाती है, एक्चुअली बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है, होम लोन, कार, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस भी देती है। बजाज ने हेल्थ केयर की फील्ड में 350,000 लोगों की मदद करी, 5,000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी। वेल बजाज ग्रुप 675,000 करोड़ की वैल्यू रखता है। ये था सीरीज का पार्ट 1, और देखने के लिए सब्सक्राइब करो।